शाहपुर पुलिस ने रविवार की रात्रि में कौवाबाग बाईपास रोड से बियर शॉप पर फायर करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीनों अभियुक्तों को कौवाबाग रेलवे अंडरपास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान नवनीत मिश्रा उर्फ लक्की मिश्रा पुत्र शशिकांत मिश्रा निवासी सरस्वतीपुरम पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा निखिल शर्मा पुत्र अनिल शर्मा निवासी असुरन थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा राजन तिवारी पुत्र स्वर्गीय रामाशीष तिवारी निवासी टाडा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि वादी द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि 31 जुलाई को समय करीब 9:15 बजे रात्रि को नवनीत मिश्रा उर्फ लक्की मिश्रा पुत्र शशिकांत मिश्रा सरस्वतीपुरम पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर व उसके साथ ही निखिल शर्मा पुत्र अनिल शर्मा असुरन थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर आए और मेरे बियर की दुकान पर लक्की मिश्रा बियर मांगने लगा। जब मैंने कहा कि कल जो बियर ले गए थे उसका पैसा दीजिए तब बियर देंगे, इस पर निखिल शर्मा ने आज का पैसा दिया और कल का पैसा मांगने पर निखिल शर्मा ने उत्तेजित होकर हवा में 2 राउंड फायर किया। उसके बाद 1 राउंड मेरे ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया था। विवेचना के क्रम में राजन तिवारी निवासी टाडा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर का नाम प्रकाश में आया, जिनके विरुद्ध अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त राजन तिवारी के पास से एक मुंगेर मॉडल का पिस्टल बरामद हुआ, जिसके बॉडी से मैगजीन निकाल कर देखा गया तो उसमें 3 अदद जिंदा कारतूस भरे हुए थे तथा पैंट के जेब से 2 सैमसंग तथा 1 नोकिया कंपनी का मोबाइल बरामद किया। उसके द्वारा पीठ पर लिए हुए काले रंग के बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें 1 मल्टीपर्पज कटर, 1 टांगी आधुनिक मॉडल, 1 चाकू यू आकार का आधुनिक मॉडल काले रंग का तथा 1 साधारण चाकू कवर सहित गेरुआ व सफेद रंग का तथा अभियुक्त निखिल शर्मा के पास से 1 एयर पिस्टल बरामद किया गया है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक राम प्रवेश, रामानुज सिंह यादव, संजीव कुमार हेड कांस्टेबल, नरुद्दीन खान, राजू उपाध्याय कांस्टेबल, अजय कुमार, राहुल कुमार, संजय राजभर, अनिल शाहनी, मिथिलेश कुमार, सौरभ पाल, वीरेंद्र सरोज शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, लगाओ सजाओ यार, एक काम करता है ना सजाने वाला, आप में से कौन ढंग से सजाता है? रिकवरी है घर पे छानबीन के बाद की रिकवरी, इसमें कुछ चीजें वो हमेशा लगा के अरे आराम से भैया कर लो। कल रात में जनपद गोरखपुर के थाना शाहपुर के जेल रोड के ऊपर एक बियर की दुकान पर फायरिंग की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण संबंधित थाना पुलिस सीईओ साहब एसपी सिटी साहब और हमारे द्वारा किया गया था। ये शहर में हुई फायरिंग की घटना को बड़ी गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस टीमें इस संबंध में रवाना की गई थी। वादी की तहरीर पर 2 व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बहुत ही अल्प अवधि में इस घटना में जो सभी अभियुक्त हैं, 3 अभियुक्त हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया है, जिनके नाम नवनीत मिश्रा, राजन तिवारी व निखिल शर्मा हैं। इनका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है, ये पहले से भी इस बियर शॉप से शराब इत्यादि लेते रहते थे। पैसे मांगने पर पैसे ना देने का इस संबंध में विवाद था, जिनके ऊपर इनके द्वारा वहाँ पर डराने धमकाने के लिए और उसको टारगेट करते हुए, सेल्समैन को टारगेट करते हुए फायर किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, अवैध असलाह व अन्य हथियार बरामद हुए हैं।
इनके ऊपर पूर्व के भी मुकदमे हैं, जिस आधार पर इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इनके ऊपर गैंगस्टर व अन्य प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाएंगे और ऐसे अपराधियों की धरपकड़ करके बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी।